हेलो एवरीवन, मोनोकॉरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि इसमें जो प्लासेंटा की संख्या रहती है वो एक ही होती है, बट इसमें जो दोनों बच्चों की पानी की थैली होती है वो अलग अलग होती है। मोनोकॉरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी में जो आपके दोनों बेबी होते हैं वो एक जैसे दिखने वाले होते हैं, एंड इसके साथ ही इनके जो जेंडर होते हैं वो भी सेम ही रहते हैं, एंड इनको आइडेंटिकल ट्विन्स भी बोला जाता है। अधिकांश मोनोकॉरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विन्स बेबी का जो जन्म होता है वो बिना किसी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के होता है। भले ही इस टाइप की ट्विन प्रेगनेंसी में जन्म से पहले कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना रहे हो, उसके बाद भी मोनोकॉरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी होती है वो टाइम से पहले ही हो जाती है, एंड इस टाइप की ट्विन प्रेगनेंसी में रिस्क से बचने के लिए सी सेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसमें नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बहुत ही कम एंड ना के बराबर होती है। और आपको इसमें नॉर्मल डिलीवरी तभी ट्राई करनी है जब आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, अदरवाइज आपको बिल्कुल नहीं करना है। एंड इसमें डिलीवरी का जो सही टाइम होता है वो होता है 36 वीक्स से लेकर के 37 वीक्स के बीच में हो जाना। एंड इस टाइप की ट्विन प्रेगनेंसी में प्लासेंटा के अंदर ब्लड सप्लाई से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का भी रिस्क रहता है।